नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, एक्शन प्रिंस ध्रुबा शर्जा स्टारर मार्टिन रोर स्टार्ट नाउ। मार्टिन के एडवांस बुकिंग कर्नाटका पे और बेंगलोर पे स्टार्ट हो चुका है, हालांकि ऑल ओवर ऑफ इंडिया पे स्टार्ट नहीं हुआ है। रात के 12:30 बजे से इस मूवी के शो स्टार्ट किए जाएंगे और रात के 12 बजे के शो बेंगलोर के जिस थिएटर के लिए अवेलेबल थे वहाँ पे हाउसफुल हो चुका है एडवांस बुकिंग से ही। तो कुल मिला के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मार्टिन मूवी ने अभी तक कितने करोड़ का कमाई किया है एडवांस बुकिंग पे, इस मूवी के बजट कितने करोड़ का है, कितने थिएटर्स पे रिलीज होंगे, प्री रिलीज बिजनेस के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, मूवी मार्टिन, जैसे कि आप सभी को पता है आज है 7 अक्टूबर और आज से सिर्फ 3 दिन बाद 11 अक्टूबर को मार्टिन मूवी वर्ल्ड वाइडली ग्रैंड रिलीज होंगे। बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाएंगे और कलेक्शन पे धूम मचाने वाले मूवी है मूवी मार्टिन। मार्टिन टोटली एक एक्शन पावर पैक मूवी है। इस मूवी को डायरेक्शन दिया है AP अर्जुन जी ने, वही दोस्तों मूवी को प्रोड्यूस किया है उदय मेहता ने और मनीष शर्मा की म्यूजिक सुनने को मिलते हैं। मूवी मार्टिन इंडिया के अंदर कन्नड़ा के साथ साथ तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और बंगाली भाषाओं पे रिलीज होंगे। अगर कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें कास्टिंग पे नजर आया है एक्शन प्रिंस ध्रुबा शर्जा, बेबी संध्या, अनबेशी जयन, निकिता धीर, नवाब शाह और ऐसे ही बहुत सारे कलाकार देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों बजट की बात करें तो दोस्तों मार्टिन मूवी के टोटल बजट है पूरे 75 करोड़ रुपए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही अपने नॉन थिएटरिकल बिजनेस से अपने बजट से ज्यादा रिकवरी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस मूवी के डिजिटल राइट्स यानी दोस्तों मूवी को ऑनलाइन OTT स्ट्रीमिंग राइट्स बिके हैं पूरे 45 करोड़ में, वही दोस्तों मूवी के सैटेलाइट राइट्स यानी दोस्तों मूवी को TV पे दिखाने के राइट्स बिके हैं पूरे 40 करोड़ में, और इस मूवी के यानी मार्टिन मूवी के म्यूजिक राइट्स बिके हैं पूरे 5 करोड़ में। यानी दोस्तों एक्शन प्रिंस ध्रुबा शर्जा की मूवी मार्टिन ने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही जो नॉन थिएटरिकल प्री रिलीज बिजनेस किया है मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस के पूरे 90 करोड़ का। यानी दोस्तों मूवी मार्टिन ने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही अपने बजट से ज्यादा रिकवरी कर लिया है और यहाँ पे जो थिएटरिकल बिजनेस है टोटली बोनस होने वाले हैं। मतलब जितने भी कमाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे। यहाँ पे बात करें दोस्तों मार्टिन मूवी कितने थिएटर्स पे रिलीज होंगे, तो दोस्तों मूवी मार्टिन कर्नाटका पे यानी कन्नड़ा भाषाओं के साथ ये मूवी 370 थिएटर्स पे रिलीज होंगे। नॉर्थ इंडिया पे यानी हिंदी ऑडियंस में ये मूवी पूरे 1800 स्क्रीन पे रिलीज होंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे यानी तेलुगु भाषाओं के साथ इस मूवी को 550 थिएटर्स पे रिलीज किए जाएंगे। केरला पे यानी मलयालम भाषाओं के साथ ये मूवी पूरे 200 थिएटर्स पे रिलीज होंगे और तमिलनाडु पे यानी तमिल भाषाओं के साथ ये मूवी पूरे 300 थिएटर्स पे रिलीज होंगे। यानी दोस्तों मूवी मार्टिन टोटली इंडिया के अंदर पूरे 3220 थिएटर्स पे रिलीज होंगे और मार्टिन मूवी ओवरसीज मार्केट पे यानी इंडिया के बाहर ये मूवी पूरे 2000 स्क्रीन पे रिलीज होंगे। यानी दोस्तों मूवी मार्टिन वर्ल्ड वाइडली पूरे 5220 थिएटर्स पे रिलीज होंगे। अब बात करें दोस्तों मार्टिन मूवी ने एडवांस बुकिंग पे कितने करोड़ का कमाई कर लिया है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा मार्टिन मूवी के एडवांस बुकिंग ऑल ओवर ऑफ इंडिया पे स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ सेलेक्टेड मतलब लोकेशन पे ही स्टार्ट हुआ है जैसे कि बेंगलोर पे, कर्नाटका पे, और वहाँ से कुछ ही समय के अंदर 6000 टिकट बिके हैं रिलीज के पहले दिन के लिए, जो कि अमाउंट बनते हैं पूरे 18 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, पूरे 18 लाख के एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है, अभी तो बस शुरुआत है और ऑल ओवर ऑफ इंडिया पे एडवांस बुकिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आपसे उम्मीद है दोस्तों आगे के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। एक्शन प्रिंस ध्रुबा शर्जा के फैंस हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।